तो थोड़ा टाइम आगे लिया गया ना आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग जल्दी घर पे आराम से जाए, मौसम थोड़ा खराब चल रहा है। तो वो कमेटी ने ये डिसाइड किया कि जो चार का मीटिंग है उसको हम 2:30 तक का स्टार्ट करें और राइट टाइम में जा रहे हैं। कोशिश यही करूंगा कि आज का मीटिंग जो है आपको राइट टाइम पे खत्म कर दूंगा। एक चीज समझ के चलिए, आज का जो ये टॉपिक है ये बहुत ही एक देखने जाएंगे तो ऐसा तो आपको साधारण लगेगा, बट अगर आप उसके अंदर से गुजर चुके हो, क्योंकि इसमें जो मैं डिजीजेस बता रहा हूं इसमें से हर एक व्यक्ति किसी न किसी अपने घर वालों के साथ में या दोस्तों के साथ में या आसपास के लोगों के साथ में उस चीज के साथ में गुजरता हूं। तो जब मैं उसमें से जाऊंगा तो आपको ध्यान में आएगा कि यार मेरा ये पला पला व्यक्ति या मेरा जो भाई है या जो भी है वो ये चीज की समस्या झेल चुका है, तो उसका निदान कैसा करें, बराबर। तो यहां पर देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जब हम बात करते हैं तो यहां पर जब हमारे सिस्टम की बात करते हैं तो वहां पर आपको देखने मिलता है कि एक कम्युनिकेबल डिजीज जब आती है तो बहुत सारे जनों को लेके चल जाती है, जैसे कि कोविड का आया था, करेक्ट है, उसके पहले इबोला वगैरह ये बहुत सारी चीजें आई थी, जब यहां तो इतना नहीं लेकिन और जगह पे उसका काफी प्रभाव देखने के लिए मिला था। पर कुछ ऐसी हमारे सिस्टमेटिकली ये जो सिस्टम है ना ये पूरा ये सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को हिला देती है और उससे जो डेथ होती है, यानी वो सिस्टम की वजह से या तो आप बहुत बड़े समस्या में गुजर पड़ जाते हो या तो फिर वहां पर डेथ हो जाती है, तो वो काउंटेबली नहीं होती है। फिर ऐसा कहते हैं भाई चलो ये तो नेचुरल डेथ है या ये जो भी है या कार्डियक अरेस्ट है, कार्डियक कुछ भी होता है, तो आजकल क्या है मेडिकल टर्मिनोलॉजी की हम करके देते हैं भाई ये कार्डियक अरेस्ट है। कुछ भी अगर डिजीज में आदमी या नॉर्मल भी मर गया या जो भी उसको नेचुरल डेथ भी हो गई तो हमें एक सर्टिफिकेट जो बनाना पड़ता है तो उसके अंदर ज्यादा करके हम कार्डियक डिजीज के ऊपर ही ये बेचारा दिल जो है ना इसी को हम परेशान करते हैं, करेक्ट है। अब इसको लेके काफी इसके लिए भी है क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें में देखोगे कि आज एक 3-4 साल का पहले का सर्वे जब बताया जा रहा है तो उसके अंदर जब हमारी 700 करोड़ की आबादी बताई जा रही है अभी पूरे वर्ल्ड की और ये वर्ल्ड वाइड में मोर देन 20% यानी कि 20 से 25% ऐसी चीजें हैं जो कार्डियक अरेस्ट पे ही डाला जाता है, हार्ट अटैक, करेक्ट। उससे आने वाले और चीजें हैं फिर उसके साथ में दूसरी और जैसे कि आपके लंग डिजीजेज हैं और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीजेज है, फिर कैंसर जैसी चीजें हैं, इसी पर आज बात होगी। उसके साथ साथ में एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने वाला हूं जो ए वर्ग के लिए, जिसके लिए मेनार्की से मेनोपॉज यानी कि महावारी शुरुआत होने से लेकर तो महावारी बंद हो जाता है आजकल ये जो चीजें हैं, पहले ये बहुत ही शर्म की बात माना जाती थी और इसको बहुत ही लेकिन आजकल ये वाइड वाइड ओपन हो गया है, तो इससे क्या क्या अगर हम उसके अंदर बहुत ध्यान नहीं दिए तो उससे हमें क्या क्या समस्याएं आने वाली है उस पर भी बात होगी। फिर इससे रिलेटेड जो हार्मोन्स है उसके लिए मुझे एक रिक्वेस्ट आया था तो उस पर भी मैंने हैप्पी हार्मोन पे भी काम किया है, तो ये बहुत सारी चीजें आज आपको सीखने के लिए मिलेगी। बट ये सब करने के लिए एक ही चीज का मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने मोबाइल फोन को थोड़ा सा आप स्विच मोड पे रखो, ऑफ पे रखो या साइलेंट मोड पे रखो। जैसे कि पीसी सर ने कहा है कि भाई बहुत अगर इमरजेंसी है, गुड न्यूज वगैरह आने वाली है तो बहुत अच्छा है, फिर बाजू में कैलाश मिठाई वाला भी वहां से हमारे लिए मिठाई भी आ जाएगी तो उसके लिए आप चालू रख सकते हैं, ओके। तो एक जोरदार तालियों के साथ में अपना स्वागत कीजिए। आज के दौर में ये 10 आपके डेडलीस्ट डिजीजेस है जिसके अंदर आपकी क्रॉनिक आर्टरी डिजीज जो हार्ट से रिलेटेड होती है, इश्केमिक हार्ट डिजीजेस, उसके बाद में स्ट्रोक, पैरालिसिस, ठीक है, जहां पे ब्रेन की जो आर्टरी होती है वो ब्लॉक हो जाती है, यहां पे सप्लाई नहीं आता है तो ब्रेन उस पोर्शन का काम नहीं करता है और सामने उसी पोर्शन से कनेक्टेड एरिया आपका पैरालिसिस के लिए चला जाता है। फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन डिजीजेस जैसे कि आपका ट्यूबरक्लोसिस वगैरह हो गया, इसको भी हल्के में नहीं लेना है। उसी के साथ में क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जिसके अंदर आपका एक मेहमान आके गया था, बहुत बड़ा गड़बड़ करके गया था,
फिर कैंसर के अंदर ट्रेकिया ब्रोंकस स्टन कैंसर और उसके साथ साथ में आपका सर्विक्स और ब्रेस्ट कैंसर ये भी कवर करेंगे हम लोग। डायबिटीज बहुत लोगों को अच्छी लगती है ना, तो यहाँ पर उसका क्या इफेक्ट है वो भी पता चलेगा आपको। अल्जाइमर, अल्जाइमर यानी के जिससे आपको भूलने की बीमारियां वगैरह आती है और बुरा एज आ जाती है, वहां पर हम कॉग्निटिव लॉस कर लेते हैं, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन समझ में नहीं आता है, जाना होता है उसको दादर, चला जाता है वो गिरा, ये पोजीशन है। फिर डायरिया, डायरिया को बहुत ही बोलो हल्के में लेते हैं भाई, ये तो क्या है, ये तो दस्त लगते हैं, लेकिन ये दस्त से कई सारे बच्चों का, ये जो मैं आंकड़े अभी बताऊंगा आपको तो उससे पता चलेगा कि दस्त भी कितना टॉयलेट जो होता है ना ये मतलब जुलाब होता है, डायरिया होती है तो ये भी कितना इम्पैक्ट है, ये इम्पैक्ट करता है। उसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस और उससे रिलेटेड आपकी मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट ये आएगा और उसके साथ में आपका सिरोसिस, सिरोसिस ऑफ लीवर, लीवर से रिलेटेड बीमारी। तो तैयार है ओके, इसीलिए यहां पर ये आ गया, देखिए ये जो है हाँ ये हार्ट अटैक आता है तब, ये कब आएगा जब देखिए इसका काम क्या है, हमारे पूरे शरीर के अंदर खून का बहाव करना, पंपिंग करना, ये दो आर्टरीज होती है, दो पाइपलाइन होती है, उसके थ्रू करता है और दो पाइपलाइन से इसके अंदर भी जाएगा, लेकिन उसका अपना भी एक सप्लाई होता है, वो अगर सप्लाई रुक जाए या उस जगह पे हो जाए तो उतना थ्रोम्बोसिस हो जाता है और वो कब होगा जब आपकी आर्टरी साफ नहीं होगी, वहां पर प्लेट जमा होगी या तो आपका खून का गाढ़ापन ज्यादा होगा जिससे आपकी ब्लॉक्स हो जाती है, तो वो आपको दे देगा इश्यूमिक हार्ट डिजीज जिसके अंदर मायोकार्डियल इंफार्क्शन वगैरह कहते हैं। अभी यहां पर आप देखने को मिलेगा कि जब ऐसी कोई परिस्थिति होती है तो हमारा मेडिकल साइंस आपके लिए क्या करता है, आजकल एक ईसीजी निकाल दिया, उसके अंदर ये गड़बड़ मिल गई, लेकिन 2D को करने का टाइम नहीं होता है, सीधा हम क्या करते हैं आपको लेके जाते हैं और एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी के अंदर जंगल में मोर नाचा और अंदर जाके फिर होता है कुछ ब्लॉक्स होती है, तो उस ब्लॉक्स को करने के लिए आपके लिए स्टंट डालने की बात होती है बराबर, और उसके बाद कहा जाता है भाई जो ये खून गाढ़ा हो गया है इसको आपको पता रखना है और ये पता रखने के लिए आपको फला फला दवाई लेनी है, इसके वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन पूरा पतला ही रहता है और कहीं पे अगर आपको चोट लग गई वगैरह तो वो खून रुकता नहीं है, उससे कई बार लोग हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते और डेथ भी हो जाती है। तो ये सारी चीजें होती है, इसके अंदर यही है कि ये जो आपकी आर्टरीज होती है इसके अंदर अगर आपका ब्लड जो है ये नॉर्मल है कि हेल्थी कॉरोनरी आर्टरी, इसके अंदर अगर आपका ये ब्लड अच्छे से बहता है तो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन का काम है, जैसे अभी मैं न्यू बॉम्बे से यहां आया तो जो रोड से आया वहां पर कोई ट्रैफिक नहीं था इसीलिए टाइम पे पहुंच गया, तो ऐसे ही टाइम भी ब्लड का ट्रांसपोर्ट होते रहेगा तो आपके लिए कोई तकलीफ नहीं रहेगी, क्योंकि वहीं से आपको ऑक्सीजन और जो आप खुराक खाते हो वहां से न्यूट्रिशन वहां तक पहुंचेगा, तब जाके ये हार्ट के सेल्स आपके लिए काम करेगी। अगर ये यहां पर ट्रैफिक लग गया, पानी भर गया, ट्रैफिक लग गया, तो वो चीज वहां पर नहीं पहुंचेगी और आपके लिए वो हार्ट अटैक आने का संभावना होती है, क्योंकि वो जो है वहां पर संभावना है कि वहां पर आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस होती है, क्योंकि वहां पर वो चीज पहुंचती नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो वो सेल फटाफट डेथ हो जाते हैं और उस वक्त में ये एरिया पूरा डैमेज होता है। यहां तक क्लियर हो गया आपको, अब समझ में आ गया, तो यहां पर अगर आपका ऑक्सीजन का सप्लाई इम्बैलेंस हो जाए तो आपके लिए संभावना है और उसके बाद आपके लिए क्या आ जाएगा, यहां पर उजाला दिख रहा है, समझ के चलिए अंधेरा ही अंधेरा, हेल्थ वाइज अंधेरा ही रहेगा आपकी जिंदगी में, क्योंकि आप जो आज तक काम करते आ रहे हैं अगर आपका हार्ट कमजोर हो जाएगा तो नेचुरली पंपिंग तो वहीं से है ना, आप किसी पे डिपेंडेंसी में चले जाओगे, हो सकता है फिजिकल डिपेंडेंसी या तो मेडिकल डिपेंडेंसी पे चले जाओगे, दवा के बगैर आप जी नहीं पाओगे, सुबह का नाश्ता आपकी दवाइयों से शुरू होगा और बाद में आप खाना खाओगे, समझ गए, इसीलिए यहां पे मैंने पूरा ब्लैंक छोड़ा ओके। अब ये देखिए ये हेल्दी हार्ट होता है और इश्यूमिक के बाद में ये ऐसा होता है, तो इस चीज ऐसी चीजों के साथ में जब हम जीते हैं तो वहां पर बहुत सारे चांसेस हैं कि आपको स्ट्रोक आने का चांस है, उसके अलावा
रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बार बार होगा आपके लिए, और यहीं पर बहुत सारी डेथ हमको देखने के लिए मिलती है। तकरीबन 74% जो डेथ आती है वो यही कारण से होती है। तो एक नॉर्मल हार्ट इस तरीके का होता है और उसके बाद इश्केमिक हो जाने के बाद में इस तरीके का वो हार्ट हो जाएगा। दो नंबर पे आते हैं स्ट्रोक। वॉर्डर कितना अच्छा है, क्या हो गया, स्ट्रोक आ गया। अरे किस चीज का स्ट्रोक आ गया, ब्रेन में जब आपके ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो वो स्ट्रोक आएगा। उस वजह से क्या क्या फीलिंग आएगी, देखिए जब आपको सर में दर्द बहुत ज्यादा होगा, वीकनेस लगेगा, नमनेस लगेगा, हाथ पैर में मुंगी आ रही है, करेक्ट है, फेस ड्रॉपिंग हो रही है, यहां से लाल गिर रही है या इस तरीके का कुछ हो रहा है, उसके अलावा चलने में तकलीफ हो रही है, जाना उसको ऐसा है वो जाएगा ऐसा कुछ, ये रास्ते में चलते चलते किसी को भी हो सकता है, कोई भी इसको फेस कर सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि आंखों के सामने ब्लर विजन आएगा, बहुत कुछ दिख रहा भी है, डबल डबल ट्रिपल ऐसा, या तो फिर अंधेरा जैसा छाएगा और लॉस ऑफ बैलेंस होकर वो व्यक्ति नीचे गिर सकता है। ये स्ट्रोक कब आएगा, जब आपका हार्ट के अंदर कोई इश्यू है और वो ब्लड सप्लाई पूरी तरह से आपके ब्रेन को नहीं कर पाएगा और ब्रेन में वो सप्लाई नहीं पहुंचेगा, तब जाके आपके लिए समस्या आ सकती है। इसमें से कई लोग गुजर चुके हैं, हाँ। तो इसके अंदर सबसे बड़ा क्या रिस्क फैक्टर होता है, ये उन लोगों के लिए होता है जो हाई ब्लड प्रेशर लेके चलते हैं ज्यादा करके, सबसे बड़े, करेक्ट है, सुनने में वही मिलता है ना कि भाई डॉक्टर के पास चले जाएंगे स्ट्रोक का पेशेंट को लेकर, अब जाओगे तो क्या बोलेगा, इनको ब्लड प्रेशर की कोई दवाई जैसे चालू नहीं थी, अगर चालू थी तो इन्होंने लिया था कि नहीं लिया था, अगर नहीं लिया तो कहां पर गए। उसके बाद में फैमिली हिस्ट्री देखते हैं कि स्ट्रोक की किसी की फैमिली हिस्ट्री है क्या, और ऊपर से थोड़ा सा ये देखा जाता है कि जब आपका स्ट्रोक है तो इसके अंदर अगर आ गया, उसके अंदर अगर आपने 3 घंटे के अंदर अंदर सपोज मेडिकल फैसिलिटी उनको मिले या जो भी दवाइयां वगैरह मिले, तो देर इज अ चांस के वो अच्छा रह सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो ये होता है कि उसका एक साइड कोई ना कोई पे तो प्रॉब्लम आ ही जाएगा, और अगर वो चीज नहीं मिली तो नेचुरली फिर उसको आईसीयू में डाला जाता है, और जब आईसीयू में इंडिया में अगर कोई भी जाता है तो वेंटिलेटर तो साथ में लगा हुआ ही रहता है, करेक्ट है। उसकी वजह यही है कि आपके ब्रेन के सेल जो है वो, ये ब्रेन का जो सेल है वो हर वक्त में डेथ होता है, वहां पर रिजनरेशन नहीं होगा, वो मर रहा है, लेकिन उसकी सप्लाई चाहिए ताकि बचा हुआ जो सेल है, एक कोटा है, वो मर रहा है, बाकी के जो है उनका एक्टिव रहना है, वो एक्टिव रखने के लिए मुझे ये सप्लाई जरूरी है, ये सप्लाई रुक गई। अब ये सप्लाई क्यों रुकी है, या तो हो सकता है कि वहां पर कोलेस्ट्रॉल की वजह से, या कोई जैसे भी मैंने कार्डियक अरेस्ट में बताया ना आपको, ठीक उसी तरह से यहां पर ये प्रॉब्लम होती है और फिर ये स्ट्रोक आ जाता है। तो स्ट्रोक फेस करते हैं, किसी ने किया आपके घरों में आसपास में देखा है, तो उसके अंदर यही कहा गया है ना कि भाई शुगर, हाई शुगर हो जाती है तब भी ये प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर हो गया तो भी ये प्रॉब्लम आ सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो एक ही चीज करना है, अगर ऐसी कभी सिम्टम्स आपको आते हैं, ऐसे कभी सिम्टम्स आते हैं तो इमरजेंसी में यू हैव टू गो और रश करना है आपको हॉस्पिटल में, ताकि आपको वो चीजें इमरजेंसी में दे दी जाए, ताकि आपका डैमेज जो है वो उतना कम से कम हो जाए। 3 घंटे से अगर आप ज्यादा चले जाते हो तो देर इज अ चांस कि आपको कोमा वगैरह भी फेस करना पड़ सकता है। 85% स्ट्रोक जो होते हैं वो ब्लॉकेज ब्रेन की होते हैं, और इसी को इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं। क्लियर हो गया। अब इसका, इससे बाहर आने का सबसे अच्छा उपाय क्या है, वो यही है कि अपने आप को आप मेंटेन रखो, अच्छा खासा एक्सरसाइज वगैरह करो, सुनने करो, अपनी बॉडी को अल्कलाइन रखो, ये बहुत सारी चीजें आगे आ गई। लोअर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, मौसम चल रहा है, सीजन चल रहा है, सर्दी हो रही है, खांसी हो रही है, हम लोग उसको बहुत हल्के में लेते हैं, है ना, ये अभी थोड़े देर के लिए आप बिना किसी सपोर्ट के है ऐसा समझिए, एक जनरल पब्लिक आपके पास ना डीएक्शन है, जो डीएक्शन के साथ में जुड़े उनके लिए एक नए आदमी की तरह है, और आप एक पैटी के ऊपर निर्भर कर रहे हैं पूरा। अब जब वहां पर आप कफ के लिए जाते हो डॉक्टर के पास, या सर्दी हो जाती है नेचुरली, पहले मान के चले आपने सर्दी हो गई है, सर्दी होने के साथ में जब आप उधर चले जाते हो तो वो एक आपको दवाई देती है, कुछ दिनों के बाद में आपको कफ स्टार्ट हो जाता है,
होता है, क्यों होता है? क्योंकि वो सर्दी अंदर दब जाती है और लंग्स में कोई भी चीज अनवांटेड हो जाने की वजह से उस स्पुटम को बाहर निकलना है, वो जो म्यूकस है उसको बाहर निकलना है, वो अंदर के अंदर दबने की वजह से उस एरिया को कवर कर लिया है, वहां पर वो उसको फेंकने की कोशिश कर रहा है जो नहीं फेंक पा रहा। तो वहां पर फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते आप देखते हो कि वो आपको ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, फिर कहते हैं एक्सरे कराओ, एक्सरे करवाते हो तो क्या पता चलता है कि इसमें निमोनिया हो गया है और उसके साथ में ब्रोंकाइटिस हो गया है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से रिलेटेड रहते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, ये एक बहुत बड़ा फिगर है और ये सिर्फ वर्ल्ड वाइड में कई सारे लोग रोज इससे डेथ हो रही है। क्या वजह हो सकती है? अभी थोड़ा सा आप जिन्होंने डीएक्सएल के सेमिनार अटेंड करते हैं वहां पर आप याद होगा कि ये जो है लंग्स है, ये लंग्स किससे रिलेटेड है आपके? एयर से आप हवा लेते हो, यहां पे प्राणवायु, प्राणवायु से ऑक्सीजन बाहर, ऑक्सीजन लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है और यही ऑक्सीजन तो आपका पगार है। अगर यहां पर गड़बड़ है इन्फेक्शन की वजह से बहुत सारा आपको इन्फेक्शन की वजह से बहुत सारा अगर एरिया कवर कर लेता है तो ऑक्सीजन की सैचुरेशन कम हो जाती है। ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम हो जाएगा तो क्या होगा? आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो दूसरे और चीजें जैसे स्ट्रोक वगैरह आने के भी चांसेस बढ़ जाए। तो इसको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, सेटल होना, सेटल होना, कोई बात नहीं। ओके, सो यहीं पे जो है हम लोअर ट्रैक, इसको ब्रॉड टर्मिनोलॉजी में हम कहते हैं तो ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, एक्यूट, ये जो है और उसके साथ में ये लंग का एरिया एक्सरे करवाते हैं तो इसी टाइप का रहता है लेकिन वहां दिखता नहीं है, करेक्ट है, लेकिन उसका साइज कितना बड़ा होता है? सानिया मिर्जा उस पर खेल सकती है, इतना बड़ा साइज होता है, ये सोचिए, है ना। और आगे जाके यहीं पे भी लंग कैंसर जैसे होने की भी बहुत बड़ी संभावना होती है। इसके अंदर आप देखोगे तो एक सबसे बड़ा चीज है वो है स्मोकिंग। कितने लोग स्मोकिंग करते हैं? बिंदास बात बताइए। आप खुद स्मोकर है तो ठीक है, आप एक्टिव स्मोकर, लेकिन पैसिव, आपके घर में अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो ये मत समझिए कि मैं स्मोक कर रहा हूं तो हो सकता है मुझे ही ये बीमारी आएगी, लेकिन आपके सामने बैठा हुआ आपका दोस्त हो सकता है, आपके माता पिता हो सकते हैं या बच्चे हो सकते हैं, वो भी पैसिव स्मोकिंग से उनको भी ये समस्या आ सकती है। इसीलिए स्मोकिंग की इंजूरियस टू हेल्थ तो हम लिख के दे रहे हैं, लेकिन आज भी आपके हाथ में सिगरेट का पैकेट आता है क्योंकि हमें एक्साइज चाहिए, जीएसटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और अगर कोई स्मोकिंग करके खली बन रहा है तो मैं तो समझ रहा हूं कि वो बहुत अच्छा है, फिर तो सबों को पीना चाहिए, करेक्ट है। अब यही अगर इसमें हम रिस्क फैक्टर को रिड्यूस करते हैं तो ये बहुत सारी चीजों से आप बाहर आ सकते हैं। इसके अंदर देखेंगे अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में अगर लंग कैंसर है तो चांसेस है कि आपको आएगा, नहीं है तो कोई ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि नहीं आएगा, क्योंकि पॉल्यूशन ये भी एक अपना है और उसके साथ में स्मोकिंग, और स्मोकिंग आप नहीं कर रहे लेकिन आप जिसके साथ रह रहे हो वो दिन भर में 15-20 सिगरेट मार रहा है और आप उसके साथ में हो, मैं नहीं पीता लेकिन मेरा दोस्त पीता है, तो वहां पर भी चांसेस है। दोस्त को बोलो भाई तुझे मरना है तू मर, मरना तो सबको एक दिन है लेकिन ऐसी बुरी तरह नहीं मुझे मरना है, लेकिन सुधर जा या तो फिर तू दोस्ती तोड़ दे, वही सबसे बेस्ट है। तो यहां पर आप देखोगे कि उसी से रिलेटेड में ये जो आपका जो एयर पाइप है वहां पर अगर ये चीज आ जाती है कैंसर का तो आपको क्या क्या तकलीफें आ सकती है? ट्रबलिंग, स्वेलिंग, ऊपर के एयर जो आपका ये लंग्स है अगर यहां पे आपके एयर पाइप में अगर वो गार्ड बन गई कैंसर की तो नेचुरली आपका एयर अंदर जाएगा नहीं, एयर नहीं जाएगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा, ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा तो नीचे क्या होगा? म्यूकस ज्यादा बनेगा तो कफ, और कफ को ज्यादा आप खींच के निकालोगे तो उसके साथ में खून भी आने की संभावना है। तो ये सारी चीजें आती है जो अल्सरेशन ब्लीडिंग करके हुए यहां पर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ये बहुत देखने को मिलता है। ये इतना डेंजर कार्सिनोमा है आपको मैं बताऊं, ठीक है, ये इनके बीचों में मैं रहता हूं तो इनका जो कीमो चलता है ना, मतलब
मैं तो कहता हूं कि एक बार आप किसी आंच के पास खड़े रहो वो बर्दाश्त हो जाएगी। जो चेक होते हैं ना खाना बनाते वो बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन ये जो सेल के लिए जो दिया जाता है आपका कीमोथेरेपी वन ऑफ द वर्स्ट है, और इसके लिए कीमोथेरेपी के साथ में रेडिएशन को पक्का लेना है। और रेडिएशन आ गया, जब इंसान आप रेडिएशन से बाहर आते हो उसके बाद कपड़े पहनते हो और फिर आपके घर आ जाते हो ना, अब जब निकालोगे ना तो वो आपके बाकायदा कपड़े के ऊपर उसकी मार्किंग आ जाती है। किसी ना किसी के घर में ये चीज हुई है, आप बैक थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए या पीछे जाइए, आपको ये मैं चीजें दिखा रहा हूं समझा रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम लोग एक सुरक्षित जिंदगी जिए, एक अच्छी जिंदगी जिए, आने वाली हमारी नस्लें अच्छी जिए, ये आज की हमें बहुत जरूरत है चीज। ओके, तो पॉजिटिव प्रोसेस क्या है लंग कैंसर के, तो यहां पर देखोगे आप वही अब वापस स्मोकिंग आएगा, यहां पर इन्फेक्शन आएगा, बार बार इन्फेक्शन अगर आता है तो वो भी आपके लिए बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, और उसके साथ साथ में लंग कैंसर की जो ये है वो खून आना, फिर ब्रीदिंग साउंड आएगा, रात को सोएंगे तो आपके फेफड़ों में से ऐसा ऐसा कुछ आवाज ऐसा आ जाएगा, या वेट लॉस होगा, भूख नहीं लगेगी, ये भी एक बहुत बड़ा साइन एंड सिम्टम्स इसके है जो आपके लिए गड़बड़ कर। ट्यूबरक्लोसिस क्या लगता है ये बीमारी चली गई यहां से? 1980 में बहुत ज्यादा फैली थी कम्युनिकेबल डिजीज, और इसको कंट्रोल भी करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत उपाय किए और कई हद तक सक्सेसफुल भी रहे, सक्सेसफुल रहे, क्योंकि इन्होंने सैनिटोरियम बनाया, टीबी वालों को वहां डाला जाता था, एक तो आपका ये हिंदू महासभा में सैनिटोरियम था, फिर एक आपका टीबी हॉस्पिटल जो शिवडी ये मुंबई से रिलेटेड मैं बता रहा हूं, तो यहां पर ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए एक 9 महीने का वो लोग आपको ट्रीटमेंट देते थे, एकेबी ट्रीटमेंट, और उसके साथ में 90 इंजेक्शन देते थे स्ट्रेप्टोमाइसिन, उससे कंट्रोल हो जाता था, कई लोग रिवर्स हो गए, बट प्रॉब्लम क्या हो गया, कुछ दिनों के बाद में रिलैक्स हो गए। क्यों रिलैक्स हो गए, रीजन क्या रहा, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति पर हमने उस पर काम ही नहीं किया, और वो चीज रिलैक्स होने की वजह से इतना प्रॉब्लम आ गया कि जो दवाइयां लेते थे वो दवाइयां ही काम नहीं कर रही है। तो आज जो ट्यूमर क्लोसिस आपको देखने के लिए मिलता है वो नॉर्मल कॉमन ट्यूमर क्लोसिस नहीं है, वो है मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस वाला ट्यूमर क्लोसिस, मल्टीपल ड्रग, यानी कि और ज्यादा ज्यादा दवाइयां देने के बाद में भी ये, अच्छा ये जो है ट्यूमर क्लोसिस ये पहले वाली चीज है, कैंसर आपका पहले का नहीं, हार्ट अटैक